योगा, योगा एंड अस, योगा और हम कैसे एक दूसरे से मेल खाते हैं और हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है योगा। योगा इज़ एन एंशियंट स्पिरिचुअल एंड फिजिकल डिसिप्लिन। बेटा जो योगा है वो बहुत पुरानी आध्यात्मिक जो है बहुत पुरानी कला है। ये आत्मा को हमारी जो आत्मा होती है ना अंदर, हमारे स्पिरिचुअल जो होता है उसको, हमारे फिजिकल जो हमारा शरीर है उसको बिल्कुल ठीक रखती है और अनुशासन में रखती है। इट इज़ बेस्ड ऑन द हार्मोनिंग सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ये हमारा सामंजस्यपूर्ण जो हमारा सिस्टम होता है पूरा का पूरा बॉडी का जो चलता है, माइंड है हमारा, स्पिरिट है हमारी, ताकत है, सब उसके ऊपर डिपेंड है योगा के ऊपर। इट इंक्लूड्स ब्रीथ कंट्रोल। ये किसके मतलब क्या इसके अंदर इंक्लूड किया, हमारी इवन जो सांस लेते हैं ना हम लोग वो भी इसमें इंक्लूड करते हैं। सिंपल मेडिटेशन जो ध्यान लगाते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए आईज क्लोज करके, बिल्कुल स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। एंड अडॉप्शन ऑफ स्पेशल बॉडीली पोस्चर, और जो अडॉप्शन करते हैं हम लोग, अडॉप्शन का मतलब होता है बट किसी चीज़ को हम अपनाते हैं, अपनाना। और जो बॉडी की पोस्चर होता है, जैसे हम बैठे हैं, हम बैक को बेंड करके बैठे हैं या बैक को बिल्कुल सीधे करके बैठे हैं, वो भी इसके ऊपर डिपेंड है। और ये किस करके आता है कि हम योगा नेसेसरी है इस टाइम पर। योगा जो है वो हर किसी के लिए, हेल्थ के लिए और रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोग इस समय योगा को बहुत अच्छी तरह से अपना रहे हैं और हमारे देश में जो है इंटरनेशनल जो है, एक नेशनल होता है, इंटरनेशनल योगा डे होता है, वो 21 जून को मनाया जाता है। हर कोई इसे मनाता है, छोटे बच्चे से लेकर एक बड़ा व्यक्ति तक। ठीक है, तो बेटा हमारा जो फर्स्ट जो पोस्चर है वो क्या है, पद्मासन। पद्मासन यानी कि पद्म, आपको पता है पद्म का मतलब पैर। कीप्स द बैक स्ट्रॉन्ग एंड इम्प्रूव कंसंट्रेशन, यानी कि जो हमारे पैर होते हैं ना, हमारी बैक होती है, कमर जिसे हम कहते हैं बैक, उसको बिल्कुल मजबूत बनाती है। इससे हमें सीधा बैठने का एक पोस्चर आता है। और एक ये जो हमारी कंसंट्रेशन होती है, जैसे हमारा दिमाग होता है इधर उधर भागता है, वो एक साइड पे लगता है, कंसंट्रेट हो जाता है कि हाँ हमने ये काम करना है। उसके बाद बेटा आता है गुरुदासना, रिलैक्स अस एंड हेल्प अस टू कंसंट्रेट बेटर। ये जो बेटा, इससे हम रिलैक्स होते हैं बिल्कुल, हमारे हैंड्स में पेन हो रही हो या कहीं पेन हो रही हो तो हम इसको अगर करेंगे तो काफ़ी शोल्डर वगैरह में, लेग्स में काफ़ी रिलैक्सेशन सा महसूस होता है। और ये कंसंट्रेट बेटर वे है, कंसंट्रेट करता है इसे ये भी हमें। उसके बाद बेटा आता है धरुणासन। ये हमारी डाइजेशन, हमारा जो पाचन तंत्र होता है ना उसको, और हमारा जो लीवर होता है उसको एक अच्छी कंडीशन में रखने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आसन होता है। उसके बाद बेटा हमारा आता है वज्रासन, क्योर्स कॉन्स्टिपेशन एंड हेल्प इन वेट लॉस। बेटा कॉन्स्टिपेशन, जैसे किसी के पेट में दिक्कत होती है या कोई प्रॉब्लम होती है उसको ये ठीक रखता है, और हमारा जो भार होता है बढ़ता है उसको भी कम करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट इस योगा का होता है, वज्रासन का। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा आता है हमारा भुजंगासना, रिलीव्स स्ट्रेस एंड डिक्रीसेस लोअर बैक स्टिफनेस। बेटा जो हमारा तनाव, हमारा जो दिमाग में स्ट्रेस होता है, हम कहीं कुछ सोच रहे हैं, हम बैक अपनी जो हमारी नेक होती है उसको हम बैक करेंगे थोड़ी देर के लिए सिर पे, अगर हम नॉर्मल भी बैठे हैं तो उसको नीचे करिए और उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील करिए, तो वो काफ़ी स्ट्रेस आउट करता है हमारा। और उसके बाद जो हमारा बैक, हमारी जो कमर होती है एकदम अकड़ जाती है, कई बार हम थक जाते हैं, तो वो जो उसकी स्टिफनेस होती है उससे, इसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट आसन है ये। उसके बाद बेटा आता है शवासना, हेल्प टू इम्प्रूव मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। बेटा हमारे दिमाग के लिए, मेमोरी को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए और एकाग्रता लाने के लिए इस आसन को किया जाता है। उसके बाद बेटा आता है सर्वग्रासना, बेनिफिट्स ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। बेटा ये जो आसन है इससे पूरी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, हमारी बैक है, हमारी नेक है, हमारे हैंड्स हैं, हमारी लेग्स हैं, ये हमारी पूरी बॉडी को हेल्प करता है। उसके बाद बेटा आता है तड़ासना, हेल्प टू इंक्रीज द हाइट एंड क्यूर्स
इनडाइजेशन। बेटा हमारी हाइट इंक्रीज, जिसकी हाइट इंक्रीज नहीं होती वो इसको स्ट्रेच अप करे अपने हैंड्स को, फिंगर्स को जोड़ के, और अपने आप को ऊपर की साइड जैसे पेड़ की तरफ ऊपर उठते हैं ना, इस अकॉर्डिंग इसको किया जाता है, ये हमारी हाइट इंक्रीज करने के लिए। और जैसे हमारा डाइजेशन नहीं होता प्रॉपर अच्छा, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटे, तो बेटे ये चैप्टर योगा का है। इस चैप्टर को आपने योगा को याद करना है कि हमारे योगा कौन कौन से हैं, और अपनी लाइफ में भी योगा को अपनाना है, और आप लोगों ने योगा करना है बेटा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।